बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग लिबर्टी खिदमत मरकज के अंदर मौजूद हैं। इन टुडे इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। माई नेम इज़ शरबानु नकवी एंड आई एम सर्विंग इज ASP गुलबर्ग लाहौर दीज डेज। आज हम आपकी ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्पोक्स पर्सन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। इनकी जो तस्वीर हैं वो आपको पंजाब पुलिस के पेज पर भी नज़र आई, जिधर इनको एजाजी रैंक्स भी लगे, जिधर IG पंजाब ने इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेनी पीपल हु इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजिशन इन ऑर्डर टू असर्टेन कि पुलिस की जो इमेज है वो अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुँचे। आज हम उनसे बात करते हैं और उनकी तरफ अब तशरीफ़ ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास बहुत फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान मौजूद हैं और वो आज हमारी फैसिलिटी का विजिट करने आए हैं। सर, कैसी लगी आपको हमारी एंटरप्राइज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगी है। बस ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ किस हवाले से आए? अच्छा, अगर हम लोग इस तरफ चलें तो आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस लाहौर का लोगो लगा हुआ है और ये ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है। बेसिकली इस फैसिलिटी की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ जो भी लाइसेंस लेने आता है वो इधर टेस्ट देता है और इधर से ही उसका लाइसेंस जो है वो क्लियर हो जाता है। दिस इज़ अ 24/7 फैसिलिटी और इस फैसिलिटी के अंदर जो हम लोग ना सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोविज़न के लिए ड्राइविंग टेस्ट इधर लेते हैं बल्कि हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं ऊपर वाली जगह के ऊपर। अगर अब कहें तो हम आपको अंदर ले जाएं। जी बिल्कुल। और ये सेंटर कब और कैसे बनाया गया? अच्छा, ये सेंटर क्या सोच थी बनाने के पीछे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली ये सेंटर जो है वो रेनोवेट किया गया है। ये काफ़ी अरसे से इधर मौजूद था लेकिन IG पंजाब की विजन के तहत वी डिसाइडेड कि हमें अपने सेंटर्स को रिफॉर्म करना है। जिस तरह आप देख सकते हैं वी डिसाइडेड कि हम लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। इधर आपको दो कमरे नज़र आ रहे होंगे। एक कमरा हम लोगों ने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स के लिए रखा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आके इधर बात कर सकते हैं अपने ऑफिसर से। दूसरा हम लोगों ने फॉर्मल मीटिंग्स के लिए रख लिया है। उधर हमारे एक ऑफिसर बैठे भी हुए हैं जिनको वही वाली वर्दी मिली हुई है जो आपको लगाई गई थी। क्या हाल है सर्वर साहब? ठीक है सर, को भी वही रैंक्स लगे हुए जो आपको लगाए गए थे। अच्छा सर्वर साहब, आपको थोड़ा सा बताएंगे कि मेटिंग मशीनों से रिलेटेड बताएं सर्वर साहब, ये क्या चीज़ है? बाद उनको टोकन दिया जाता है, जो सीनियर सिटीजन है उनको अलग दिया जाता है, जो अपना लेडीज़ है उनके लिए अलग है, जो जनरल है उनको अलग वेट करना पड़ता है। ये वेटिंग बनाए गए सामने 350 चेयर्स लगाई गई हैं, पीछे भी लगाई गई हैं, उसके मुताबिक अनाउंसमेंट होती है। अच्छा, यहाँ आपको दो क्यूमेटिक मशीन नजर आ रही है। अच्छा, इसके अंदर जो हम लोगों ने स्पेशल टोकन जिस तरह सर्वर साहब ने आपको बताया रखी हुई है प्रोविजन, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन खवातीन और ट्रांसजेंडर्स के लिए है। अगर इन तीनों में से कोई भी आएगा तो हम लोग ये वाला बटन दबाएंगे और हमारा जो टोकन निकलेगा दैट इज़ गोइंग टू जंप द लाइन और इनको पहले प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अगर कोई लर्नर बनवाने आएगा, फ्रेश लर्नर, तो उसकी हम लोगों ने क्यूमेटिक ही अलग कर दी है। वो इस नंबर को इसको प्रेस करेगा और इधर से हमारा टोकन जनरेट हो जाएगा जो ये और कॉल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई सर्विस चाहिए तो वो पंजाब पुलिस ट्रैफिक लाइसेंस सर्विस के ऊपर क्लिक करेगा और इधर से इसको जनरल टोकन इशू कर दिया जाएगा। इसके अंदर लाइसेंसेस के अलावा वाली जितनी सर्विसेज हैं वो भी अवेल हो सकती हैं। तो जब यहाँ वेटिंग एरिया है तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी होंगी। हाँ जी, वी हैव क्रिएटेड अ स्मॉल मिनी बार ओवर हियर जिधर हमारे पास कॉफ़ी है, चाय मौजूद है, कार्डमम टी मौजूद है। अगर किसी ने कोई चाय पीनी है, ज़्यादा वेट हो गया है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द प्रेशर एट टाइम्स यू हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर। हमारे नेशन के ड्रिंक भी है ना? एग्जैक्टली। चाय अच्छी बनाते हो ना? अच्छा, ये सामने हमारे काउंटर्स मौजूद हैं। पहले यहाँ हमारे ना पास 10 काउंटर होते थे। अच्छा। इस फैसिलिटी को हम लोगों ने इंक्रीज करके 20 काउंटर्स ऐड कर। तो ये वेटिंग एरिया है वैसे? ये बिल्कुल ये वेटिंग एरिया जैसे आप देख सकते हैं। Do you like it? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा बड़ा टिपिकल सा इमेज होता है पुलिस का। हाँ बिल्कुल, लग रहा था जो मेरा भी माइंड था ना, लेकिन ये टोटली चेंज है। अच्छा, आपके जेब में वैसे क्या इमेज था पुलिस का? क्योंकि वो एक इमेज बना हुआ है पुलिस का तो आपको लगता है कि यार वो उस तरह नहीं होता, लेकिन इधर आने के बाद क्योंकि आप इमेजिन करते हो चीज़ें जब तक आप आंखों से देखते नहीं हो, तो लेकिन यहाँ आके तो माशाल्लाह जिस तरह का ये एरिया बनाया हुआ है आपने, जितनी सफाई है ये तो बार बार मुल्कों में ऐसे ही होता है। थैंक यू। अच्छा, अब हम लोग जब अंदर एंटर होते हैं तो हमारे पास 10-20 काउंटर्स मौजूद हैं। कोई भी किसी भी जगह पे फैसिलिटी अवेल कर सकता है और हर इसके फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। अभी हम लोग पूछते हैं यासर से, यासर खड़े हो जाओ भाई,
बताओ कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें? सर हमारे पास होती है पुलिस जनरल वेरिफिकेशन, जो पाकिस्तान के यूज़ के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं किसी भी मकसद के लिए, जब क्रिमिनल कॉर्ट की हमें जरूरत होती है। उसके बाद हमारे पास है करेक्टर सर्टिफिकेट जो बाहर जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास है टेनेंट रजिस्ट्रेशन और हमारे पास व्हीकल रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लर्नर की है, लर्नर लाइसेंस हम बनाते हैं, रेगुलर लाइसेंस। आपका लाइसेंस बना? हाँ मेरा बना। ठीक है, मतलब आपका लाइसेंस बनवा नहीं है। लाइसेंस की भी सहूलत यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए भी आप यहाँ से जो है रोप एंट्री बेसिकली होती है, हमारी जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन होती है ना। अच्छा, अगर यहाँ हमारे, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट स्टार्ट हो गए थे, तो हम लोग को वी वांटेड टू कीप एन अकाउंट एंड चेक ऑफ ऑल द पीपल हु आर लिविंग समवेयर। तो कोई भी किराएदार अगर कहीं आके रहेगा तो वो पहले अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन इधर भी आके करवा सकता है। इधर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिम्बल और लोगो नज़र आ रहा होगा, लीगल एड विमेन वायलेंस वाला। ये बेसिकली उन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कंप्लेनेंट है कौन, उसकी भी तस्वीर ली जाएगी और वो बताएगी कि वो किसके खिलाफ जो है वो अपनी एप्लीकेशन देना चाह रही है। सिमिलरली अगर हम बैक जाएं तो हमारे पास वनरेबल रजिस्ट्रेशन का अलग से है। वनरेबल रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी और वनरेबल कम्युनिटी से रिलेटेड बंदा, ट्रांसजेंडर हो गया या फिर कोई स्पेशल नीड्स वाला हो गया, वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है और पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि खिदमत मरकज़ का तो नहीं है लेकिन हमारे तहफ़ुज़ मरकज़ के अंदर ज़रूर ऐड होता है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे जाके बताते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि हर कम्युनिटी के बारे में ना कि आप उसका सोच के उसके लिए डिफरेंट सेंटर बनाए हुए हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती होगी। अच्छा, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास मिसाक की डेट लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल। माइनॉरिटी राइट्स एंड इंटरफेथ हार्मनी यूनिट। सिमिलरली उधर आपको नज़र आ रहा होगा तहफ़ुज़ फॉर वल्नरेबल एंड ट्रांसजेंडर्स। हम लोगों ने ये जो स्पेस है ये डेजिग्नेट कर दी थी फॉर तहफ़ुज़ मरकज़ एंड मिसाक सेंटर। मिसाक सेंटर एक अनफॉर्चुनेट जड़ावाला के इंसिडेंट के बाद मिसाक मदीना की लाइंस के ऊपर हमने फॉर्मलेट किया। तहफ़ुज़ सेंटर हम लोगों ने रावलपिंडी के अंदर 2020 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ वो जो सेंटर था उसको एम्बिट बढ़ाते हुए पूरे पंजाब में कर दिया कि जो भी वनरेबल है वो सीधा इधर आए, उसे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मिसाक की सबसे अच्छी बात ये है सर कि यहाँ हमारे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंगेज किया, हम लोगों ने हिंदू कम्युनिटी को भी इंगेज किया, हम लोगों ने सिख कम्युनिटी को भी इंगेज किया। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद थी जिसके अंदर हम लोगों ने सिख्स जो इंडिया से आए हुए थे और बाकी दीगर ममालिक से आए हुए थे उनको फैसिलिटेट किया और उनको होस्ट किया और उन्हें अपनी जो पुलिस की एंटरप्राइजेज हैं वो दिखाई। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है दोनों सेंटर्स के बारे में? बहुत अच्छा है क्योंकि हर कम्युनिटी को सोचना चाहिए, क्योंकि एज ए नेशन हमारी पूरी दुनिया में ये समझा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। तो जो हमारी कम्युनिटी जो रह रही है हर लिहाज से, चाहे वो सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, उनकी हेल्प करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और जिस तरह आप लोगों ने ये सेंटर बनाया स्पेशली उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से आके अपने जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो यहाँ आके बता सकते हैं। अच्छा, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सारी क्रिसमस की डेकोरेशन हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। पिछले दिनों हम लोगों ने, आज तो क्रिसमस है भी, और हम लोगों ने क्रिसमस जो केक है वो भी काटा है इधर अपने ऑफिसर्स के साथ जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली ये एक हमारा छोटा सा सिंबल है जिसके थ्रू हम लोगों को दिखा सकें कि जो पुलिस है वो इंटरफेथ हार्मनी के लिए स्टैंड करती है और माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ी हुई है। इधर इधर अगर आप देखोगे तो इधर आपको नज़र आएगा कि जिन्ना की जो स्पीच है जो उन्होंने अपने जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं उनके लिए कही थी वो मौजूद है। मिसाक के TORs भी ये शो कर रहे हैं कि इंटरफेथ हार्मनी के लिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 20 और 22 वो भी हमने लगाए हैं ताकि लोगों को पता हो कि पुलिस जो भी काम कर रही है वो कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए कर रही है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो हमारी फोर्सेज हैं और जो हमारे कम्युनिटी है सबको एक इकट्ठे होकर तरक्की की तरफ जाना पड़ेगा। और जिस तरह का आप लोगों ने ये सेंटर बनाया है वो डेफिनेटली ये स्टेप है कि हम सब लोग इकट्ठे रहें और जुड़ के रहें, क्योंकि एज ए मुस्लिम भी हमारा यही काम है कि हम सब लोग जोड़ के रहें। जोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालते हैं। That's very true. और ये सेंटर पंजाब में कितने हैं टोटल? ये पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर मौजूद है। जो बड़ी एंटरप्राइजेज हैं उसके अंदर मल्टीपल सेंटर्स मौजूद हैं। अगर मिसाक की बात करें तो लाहौर में 2 हैं, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 1-1 मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ लाहौर में 3 हैं, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 1 मौजूद हैं।
और जहाँ तक खिदमत मराकज़ का ताल्लुक है तो वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। लाहौर में 14 के करीब है, बाकी सिटी में उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर और डिमांड्स के मुताबिक है। तो लेकिन सारे सेंटर्स की खूबी अब ये है कि हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया उसके बाद एक चेन रिएक्शन सामने आया, एवरीबडी स्टार्टेड इम्प्रूविंग देयर सेंटर्स एंड नाउ ऑल द सेंटर्स इन पंजाब कैन बी कंसिडर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईजी हमने अपनी कौम को तो ईजी रखना है क्योंकि वो किसी भी सेंटर में जाएँ, स्पेशली नाउ डेज, क्योंकि अभी जो लाइसेंस है उसमें बहुत सख्ती हुई तो उसके लिए ज़रूरी है और अच्छा भी है क्योंकि लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोग देखे हैं पाकिस्तान में जो अंडर एज हैं जो ड्राइविंग करते हैं तो वो रिस्की होती है। इधर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी जनरल पब्लिक को ये मैसेज ज़रूर दें क्योंकि हम लोगों ने जिन लोगों को इधर आते हुए देखा है वो अबव 40 भी थे और वो अपना लर्नर बनवाने आ रहे थे, मतलब उन्हें पूरी ज़िंदगी गुजर गई और उन्होंने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया। बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो हम अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और अंडर एज चलाना हमें शौक होता है बच्चों को लेकिन वो कानून के तहत नहीं है तो हम उस चीज़ को फॉलो ना करें और जो हमारे कानून बने हुए हैं उसको फॉलो किया जाए क्योंकि हम दुनिया के हर कोने में किसी भी मुल्क में जाते हैं उनके कानून को फॉलो किया जाता है। जो हमारे अपने पाकिस्तान का मुल्क का कानून है उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। और जिस तरह आपने कहा कि अबव 40, मेरे फादर हमेशा उन्होंने ना आउट ऑफ कंट्री काम किया है तो जब मैं अब खेला हूँ तो वो अभी उन्होंने खुद लर्नर बनाया दोबारा से क्योंकि वो पहले पाकिस्तान रहते नहीं थे, अब पाकिस्तान के लर्नर बनवाया और इंशाल्लाह अब उनका परमानेंट लाइसेंस बन गया। तो हालांकि वो इतनी ड्राइविंग भी नहीं करते लेकिन स्टिल उनको चाहिए होता है बच्चों के लिए क्योंकि उन्होंने बच्चे अपने शौक है उनको पिक एंड ड्रॉप करने का। लेकिन इसी तरह आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यार लाइसेंस बनाएं क्योंकि ऐसे अदारे बन चुके हैं जिसमें आपके लिए सिंपल रख दिया है लाइसेंस बनाना, तो आएँ लाइसेंस बनाएँ ताकि आप अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान के दूसरे मुसलमानों का भी ख्याल रखें।